subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest update. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तहानी सुपिया कुकिंग शो में तब सब खैरियत से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तक हर वीक सिखारा आयूँ, हर वीक तई रेसिपीज खड़ी आयु फरमाइश भी पूरी कदा आयूँ। अज भी मज़ेदार रेसिपी ठाकुर पे सियारे के हिसाब से हलवा तक ठाण सेखारा तो अज भी अखरोट जो हलवो ठाईदी तमाम मज़ेदार ईजी रेसिपी है। उनस गड अंडा हरा मसाला ठाईदी, बॉयल बेदन की भाजी है साई मसाले से गड बई रेसिपी सुबह 12 वगे रिपीट हल्द एनएक्स असा सा गड एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर एनएक्स तमूँ यूज़ क्यों। स्क्रीन से नंबर हल्ले पो का भी फरमाइश कर, कुछ भी पूछो जो पूछी सको तो कॉल कर सको। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खाने आपको बनाने सिखा रहे हैं। हर वीक कुछ ना कुछ चेंज होता है, डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, कुछ आप लोग की फरमाइशें पूरी करते हैं, कुछ अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी मज़ेदार हलवा बना रहे हैं, अखरोट का हलवा। बहुत सारे हलवे बनाते आ रहे हैं सीज़न वाइज, आपको पता है सर्दियों में हलवे चाय सूप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हम लोग लाइक करते हैं। और कुछ साग की रेसिपीज़ भी बनाना सिखाई हैं आपको, हरे मीन्स के लहसुन की भी रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं। तो आज हम बनाएंगे अखरोट का हलवा, फरमाइश भी थी हलवों की बहुत ज़्यादा। और उसके साथ हम बना रहे हैं अंडा हरा मसाला। अंडा हरा मसाला क्या है, बॉयल एग्स के साथ हरे मसाले की एक सब्ज़ी बनेगी बहुत ही मज़ेदार। ये रेसिपी है, दोनों रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। किचन में चलेंगे और रेसिपी करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडा हरा मसाला बनाते हैं, ठीक है। अंडा हरा मसाला के लिए हमें बॉयल अंडे चाहिए, ठीक है। चार बॉयल अंडों से बनाएंगे, इसके जब पीसेज होंगे तो ये 8 पीसेज हो जाएंगे, ठीक है। चार बॉयल अंडे हैं और इसके लिए जो हरा मसाला बनाएंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, लहसुन हरा वाला यूज़ करेंगे। अगर मैं हरा लहसुन इसलिए आप देख रहे होंगे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सीज़न है, ठीक है। अगर सीज़न में नहीं मिल रहा, वैसे हर जगह मिल जाता है सब्जी वालों के पास, तो इससे रेसिपी और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, ठीक है। साई थूम जो इस्तेमाल मैं ज़्यादा के यहाँ पे होता है सामू, काफ़ी रेसिपीज में साई थूम जो इस्तेमाल क्यों पाया तो इतने भी साओ मसालो ठाँदो हिन ला हिन में आए एक गठी यानी एक कप सावा धाणा एक कप फूदनो आए, ठीक है। इन मिक्स थियल है 3 अदद सावा मिर्च मोटा वारा विझंदी, अद कप साई थूम आए, ठीक है। इनके असा ग्राइंड कर वी, क्या क्या है यहाँ पे, हमने हरी लहसुन लेनी है आधा कप, 3 अदद मोटी हरी मिर्चें, ठीक है। और उसके साथ एक कप पुदीना, एक कप हरा धनिया वॉश करके और ये ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं एनएक्स का हैंड ब्लेंडर और इसमें हमने क्या करना है, ये हरा मसाला ब्लेंड करना है, ठीक है। ये एनएक्स जो हैंड ब्लेंडर यूज़ करना सी मार्केट में अवेलेबल है, तुम वी सो इनका छाती ईजीली तुम रेसिपीज ठाई सो, ठीक है। एक कप है सावा धाणा, एक कप है पुदनो, अगर ये ना है तो जूसर जग जो ब्लेंडर जग हों, जूसर जग वो मिक्सचर ब्लेंडर होंगे उनमें भी करे सो, उखरे मोरे में भी कुटे सो, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास आप जूसर जग में कर लें, ब्लेंडर जो हमारा होता है उसमें कर लें, ठीक है। एक कप हरा धनिया, एक कप पुदीना, आधा कप हरा लहसुन, ठीक है। ये मैं वैसे ही डाल रहा हूँ फ्लेवर के लिए, वरना हम अदरक लहसुन का भी यूज़ करेंगे। अगर हरा लहसुन नहीं मिलता है तो आप फिर हरा लहसुन ना डालें, ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे 3 अदद हरी मिर्चें चॉप करके, थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। मोटी हरी मिर्चें हैं तो 3, हमेशा जैसे कहता हूँ बारीक हैं तो 1, जो तेज़ हैं वो तो 1 डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, ये इतनी वो नहीं होती है तेज़, तो इसलिए मैं कम ज़्यादा डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 4 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। ये ब्लेंडर घर आराम से इजीली मार्केट में मिली तो उन्हें हमें फ़ौरन चटनी वगैरह सब ठीक है। इस तरह उठाएं 2-3 दफ़ा, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, फ़ौरन ये चटनी बन जाएगी। कोई भी चटनी बनानी हो, कोई भी मीठा आपने बनाना हो, कोई भी शेक बनाना हो, पल्प बनाना हो, तो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ईजीली इससे हो जाता है।
ठीक है, ये हो गया पूरा मसाला, इसको ऊपर से उतार देंगे, एक बॉल में डाल देंगे। ठीक है, हे मसालो टिकड़ी प्याली में लाई था छोड़ू, ये देखें ये पूरा हरा मसाला हमारा तैयार हो गया। ठीक है, हरी लहसुन थोड़ा सा पानी डाल के और भी निकाल लेंगे, 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मिक्स करें और ये पूरा मसाला इसमें निकल जाएगा। ठीक है, ये साओ मसालो सा थी वो तैयार। हाने छा कंदासी इतने रखी था छूँ, हाने इतने बसर एक वही गंड खड़ी उनके ब्राउन कंदासी लाइट शेड में, अध कप ऑयल खड़ासी। ठीक है, हरा मसाला बना लिया, आधा कप कुकिंग ऑयल लिया। ठीक है, कुकिंग ऑयल जैसे गर्म होगा कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। भाई मेरे तो टीवी के अंदर आप एक जगह बैठे हुए, वो पता नहीं क्या हुआ रुक गए, हैंग हुआ हुआ है। हाँ पता नहीं क्यों आई नहीं ना चैनल, बस आप बैठे हुए रेड रंग की शर्ट पहने ना। अच्छा अच्छा, मैं भी कोई मसला हो? हाँ मैं YouTube चैनल पे देख लूंगी, मैं हो सकता है आपकी तरफ से हो। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि मेरे सामने भी प्रीव्यू चल रहा है टीवी का, तो बिल्कुल लाइव जा रहे हैं हम। अच्छा तो चले मैं YouTube चैनल पे आपके, हाँ केबल में कोई मसला होगा। और क्या बना रहे? अंडा हरा मसाला बना रहा हूँ बॉयल एग्स के साथ और अखरोट का हलवा। अरे वाह अखरोट का हलवा जी, चले मैं देख लूंगी कोई मसला नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप बताएं घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। चलें, मेरी तरफ से सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, प्याज हमारा जैसे लाइट कलर में ब्राउन होगा, फिर इस प्याज को भी निकाल के हमने सेम उसी तरह पेस्ट बनाना है। ठीक है, पोइ बसर के भी कढ़ी होनी तरीके से सेम इंजो पेस्ट ठाईदासी। ठीक है, प्याज को ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, क्योंकि इसका पेस्ट बनेगा। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, 1-2 टेबल स्पून और डालते हैं। ठीक है, अंडा हरा मसाला बन रहा है, बहुत मज़े की सर्दियों के हिसाब से रेसिपी है। बॉयल अंडे 4 अदद कर लें, उसको फिर 20 से 2 कर लेंगे, 8 पीस बन जाएंगे। आप ज़्यादा अंडे डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, आधा कप हरा लहसुन, 3 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली जो फीकी होती है, तीखी मिर्च है तो 1 डालिएगा। थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर दिया। ठीक है, उसको साइड में पेस्ट बना के रख दिया। 1/2 कप कुकिंग ऑयल गर्म किया, 1 बड़ा प्याज, मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज जो होता है ना, 1 कप जितना हो कटिंग के बाद, वो डाला, उसको लाइट गोल्डन फ्राई करें। इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे और इसको दही के साथ ब्लेंड करेंगे, 1/2 कप दही के साथ। ठीक है, छाछा ठहे पियो, हिते असा ठहे पे अंडा हरा मसाला बेदा जेके आहिनि बॉयल बेदा साई मसाले सां गॾु, ॾाढे मज़ेदार सियारे जे हिसाब सां रेसिपी आहे। 4 अदद बेदा सख़्तु बॉयल करे छॾिजो, पोइ हुनखे छिले विच में ॿ कंदो त 8 पीस थी वेंदा 4 बेदनि मां। ठीक आहे, हुन खां पोइ तव्हां छा कंदो, 1 कप सावा धाणा, 1 कप पूदनो, 1/2 कप साई थूम, 3 अदद फिका सावा मिर्च, अगरि तिखो आहे त 1 सावा मिर्च विझंदो। थोरे से पाणी सां गॾु हुनखे पीसे हुनजी चटणी ठाही वरिती, साइड में रखी छॾियो। ठीकु आहे, पाणी घटि विझिजो, तकरीबन 4 खां 5 खाइण जा चमच, वधीक पाणी न हुजे। ठीकु आहे, घाटी चटणी ठाहिणु खपे। 1/2 कप ऑयल गरम कयो, हिन में 1 गंड वॾी बसर जी, 1 कप जेतिरो बसर हुजे वॾी गंड खणंदो, उहो गोल्डन फ्राई कंदासीं। ठीकु आहे, पोइ हिन बसर खे कढी साॻी मशीन में हिनजो पेस्ट करे वठंदासीं, या जूसर मशीन जग में हिनजो पेस्ट करे वठिजो ब्लेंडर में। ठीकु आहे, ॾही सां गॾु पेस्ट थींदो हिनजो, 1/2 कप यानी 1/2 पाउ जेतिरी ॾही हूंदी। हीअ मज़े जी रेसिपी आहे। पोइ हिन में जेके मसाला वेंदा, हुन में ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, धाणा पीठल 2 चांहि जा चमचा, हैड 1 चांहि जो चमचो, लूणु 1/2 चांहि जो चमचो, ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1/2 चांहि जो चमचो, ऐं चिकन क्यूब मिलंदो आहे। ठीकु आहे, चिकन क्यूब मिलंदा आहिनि नंढी दॿी में, 2 हूंदा आहिनि 1 पैकेट में, हुनजो 1 क्यूब असां जे अंदरि विझंदासीं फ्लेवर ॾियण लाइ। हे मज़े जी रेसिपी आहे। ठीकु आहे, अखरोट जो हलवो ठाहियूं पिया। बाक़ी हिन हफ़्ते में काफ़ी सारी रेसिपी असांजी सभु फरमाइशूं आहिनि, झींगन जी बिरयानी बि हिन हफ़्ते में ठहंदी। ठीक है, वो ॾिसंदा रहिजो। प्रॉन्स बिरयानी है इसी वीक में, वो भी देखिएगा। और ये सारी रेसिपीज़ आपके सामने, आपकी फरमाइशें भी साथ साथ पूरी कर रहे हैं। अखरोट का हलवा जिनकी फरमाइश थी तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आएगा। फिर हमने क्या करना है, इसको 1/2 पाव दही यानी 1/2 पाव दही 1/4 कप बन जाएगी। ठीक है, 1/2 पाव दही के साथ हमने इसको वापस इसी मशीन में ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना है।
फिर इसका पेस्ट दोबारा इसी ऑयल में जाएगा, पहले जीरे और अदरक लहसुन का भगार के साथ। अच्छी तरह इसको ब्राउन करें और इसके साथ फिर हम बनाएंगे अखरोट का हलवा। ठीक है, 200 ग्राम जितने या एक पाव अखरोट आपने ले लेने छिले हुए, उसका फिर हम हलवा बनाएंगे। थोड़ी सी सूजी जाएगी इसके अंदर, वो फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करूँगा, जब बनाते जाएंगे तो आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, और गाजर का हलवा भी इस वीक में एक और बना रहे हैं जो दूध में बॉयल करके बनाते हैं। लास्ट हमने गाजर की खीर बनाई थी, गजरेला जिसे कहते हैं, उसके साथ हमने क्या बनाया था, गाजर का हलवा जो फ्राई करके बनाया था। अब हम वो बनाएंगे जो दूध में बॉयल करके बनाएंगे। लौकी का हलवा आपको बनाना सिखा दिया और उसके अलावा काफ़ी सारे हलवे आपको बनाना सिखाएं। ठीक है, अब मज़ीद है, बादाम का हलवा है, अभी हम बना रहे हैं अखरोट का हलवा, उसके बाद हम बादाम का हलवा बनाएंगे। बादाम के हलवे के बाद भी दो तीन हलवे हैं ड्राई फ्रूट्स के, वो सब बनाएंगे, जो आपकी फरमाइशें हैं वो सब पूरी करते जा रहे हैं। ठीक है, सूप एक दफ़ा फिर बनाऊंगा, सूप चिकन कॉर्न सूप, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जब सर्दियों की आमद थी तब मैंने चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सावर सूप या पिशावरी यखनी ये सब बनाई थी। अब मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा दोबारा ये चीज़ें रिपीट करें, क्योंकि सर्दियाँ हैं और कॉलर्स को चाहिए सूप की रेसिपीज, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं पेज पे, तो हम बनाएंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं अफरोज आंटी? अब आज जल्दी सोमन, मेरी दोस्त खुश हो गई होगी, वो खुश हो गई होगी बहुत ज्यादा। जी जी, थैंक यू बेटा। नहीं कोई बात, आप अच्छा आप अपने व्हाट्सएप पे चेक करना। हाँ जी, मैंने चेक किया, कर लिया? हाँ जी, मैंने मैसेज भी किया आपको। अच्छा अच्छा, मैंने भी चेक नहीं किया। जी जी, हम लोग शादी में थे ना, देर से आए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेट आए थे। अच्छा अच्छा, तो वो मेरी मैंने अपनी भतीजी से कहा था ना, तो उसने कर दिया, क्योंकि मैं तो जान ही लूँ बिल्कुल, मुझे मोबाइल का कुछ नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मैसेज करना या वो करना वो कुछ नहीं आता। अच्छा, बच्ची ने मेरे कहता है तेरा दीपू को मैं कर दूंगी, कर दिया। जी हाँ, उन्होंने किया था, मैंने रिप्लाई भी किया था, देखिएगा आप। अच्छा, उसी के फोन पे किया है? मेरे पे थोड़ी किया होगा, उसने किया होगा, उसी पे किया। हाँ, वो उसका फोन है, वो अच्छा मुझे बता देगी। अच्छा, मुझे सेंड कर देगी। चले चले, इंशाल्लाह आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अफरोज आंटी मैं कैसी बताओ? बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो, मैं हमें लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, प्याज ब्राउन हो गया, इस प्याज को मैं एक बॉल में निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये कलर आना चाहिए, बसर जो ही कलर इंदो ब्रेक जी कॉल भी अच्छी वही है, मैं बसर इनमें कटा पे इनके अध पा डही सा गड असा इनके ब्लेंड कर वठंदासी। ठीक है, प्याज का कलर आपने देखा गोल्डन आ गया है, इसको मैंने निकाल दिया, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आकर रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई तमामु मज़ेदार, हिते असां बसर ब्राउन कयो, बसर ब्राउन करण खां पोइ मां हिते हिनखे कढी वरितो आहे ऐं बसर खे असां हिन जे अंदरि विझंदासीं। ठीकु आहे, प्याज़ मैंने ब्राउन किया था, ब्राउन करण खे बाद मैंने निकाल दिया था, निकालने के बाद थोरा सा ठंडा करके अगेन ब्लेंडर में डाल देंगे प्याज़। ठीकु आहे, फिर ॾिसो ब्राउन बसर हे विझी छॾियो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दही डालेंगे आधा पाव, पौना कप दही। ठीक है, ये आधा पाव दही है, दही डाल के इसको इसका इस वो कहाँ ले गई ठीक है, ये मैं वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि हरी चटनी इसमें बनी थी तो इसको वॉश करके आप दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो मशीन ऐसा यूज़ करी इनके क्लियर करें, पानी छा कंदासीं, अगेन जो बसर असां जो है ब्राउन थियल हिन में विझी भी टेस्ट करे सके। ये देखिए फौरन का फौरन जो आधे घंटे में काम होगा वो दो मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया,
इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑयल, जिस ऑयल में से प्याज निकाला था वही ऑयल इसके अंदर पड़ा हुआ, जे ऑयल में सब बसर कटो वो ऑयल इनके अंदर पाया हुआ है। ठीक है, हाँ छा कंदासी इनमें विझंदी अच्छो जीरो, एक चाय जो चमचो सफ़ेद जीरा, एक चाय का चम्मच डाला। उसके बाद इसमें डालेंगे एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ऑयल गर्म हो रहा है, एक चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चले जाएगा। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मीना इकबाल बात कर रही हूँ, सारी जॉब। जी जी, कैसी हैं आप? बस अभी मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। अच्छा, बहुत लेट हो गई। जी क्या बना रहे हैं आप? अखरोट का हलवा और अंडा हरा मसाला बना रहा हूँ बॉयल एग्स के साथ। अरे वाह क्या बात है, जी मैं आपकी तकरीबन हर रेसिपी को अब जरूर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है। थैंक यू वेरी मच, अभी मैं रिप्लाई इसको दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगा, आप देखते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और जी, मुझे एक चीज पूछनी थी जी, वो ये जो मटर का साग होता है, मटर मटर का साग, मटर का साग, हाँ 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 मटर का साग है ना, तो मटर के साग में क्या उसको ऊपर से उसका भगार करते हैं या मसाले में ही बनाते हैं उसे? मसाले में भी बना सकती हूँ, ऊपर से भगार करके भी बना सकती हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा, दोनों तरीके। अच्छा, कड़वा तो नहीं होता ना भाई? जी नहीं नहीं कड़वा नहीं होता, मैं बनाना सिखाऊंगा, सोच रहा था, मैं देखा था मार्केट में, मैं सोच रहा हूँ बनाना सिखाऊं। हां ना जरूर, अरे वाह, बस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बनाते हैं। बनाया, हां जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह मुझे तो इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट वीक देखिए। ठीक है, थैंक यू, आप भी दुआ में रखें, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सा पानी डालूंगा दो चम्मच, ताकि जो पेस्ट इसमें लगा हुआ है वो आप निकाल लें पूरा घुमा के। ठीक है, ये देखें जो प्याज और दही का पेस्ट था इसमें डाल दिया, प्याज बसर और दही जो जो पेस्ट हो वापस इनमें विझी छो, ऑयल में जीरो विधो, अदरक तुम जो पेस्ट विधो, पहले जीरो पे अदरक तुम जो पेस्ट, एक चाय जो चमचो जीरो, एक खंड जो चमचो अदरक तुम जो पेस्ट, उनका पो दही जो पीठल जो मिक्सचर वो विझ छो, हाँ पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीठल धाणा ब चाय जो चमचा, हेड एक चाय जो चमचो, मैं अंदाजे से विझा पो तो आप पूरे चमचे से विझो। ठीक है, लूण अध चाय जो चमचो, एक चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, दो चाय का चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है, और नमक आधा चाय का चम्मच। ठीक है, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर एक एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये है चिकन क्यूब, ठीक है, पन्नी में होते हैं, बॉक्स के अंदर दो होती हैं चिकन क्यूब, आपको समझ आ गई होगी, ये चिकन क्यूब है। ठीक है, यार चिकन क्यूब असा खाई एक पन्नी में कटी वरती, इनके मसले वठंदासी, इसको मसल के आपने डाल देना है। ठीक है, चिकन क्यूब डालना है, एक मिल जाता है इजीली, चिकन क्यूब इजीली मिली तो उन्हें इनका फ्लेवर डाडो सुठो इंदो। ठीक है, चिकन क्यूब डाला, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने ये जो हरा पेस्ट बना के रखा था ये पूरा इसके अंदर चला गया। ठीक है, पेस्ट जो ठायो ये सजो हिंजे अंदर हलियो, अब इसको भूनेंगे तकरीबन 3-4 मिनट तक। ठीक है, 3-4 मिनट इनके पचन दिंदासी। कसूरी मेथी में दिसा तो ये तैया मोट कसूरी मेथी ले लेंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम इसमें मसल के डाल दें। ठीक है, हाफ टी स्पून या उससे थोड़ी कम कसूरी मेथी मसल के डाल दी, फिर इसको भूनेंगे, अब इसको पकने दें। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इसको मैं कवर कर रहा हूँ 3 मिनट के लिए, कॉल लेटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रही हैं? अटक से बोल रही हूँ। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आज मैंने देखा आप अच्छी कुकिंग बना रहे हैं, आज कौन सी चीजें बना रहे हैं? अंडा हरा मसाला बना रहे हैं, बॉयल अंडे हरे मसाले में, और उसके साथ अखरोट का हलवा बनेगा अभी। अच्छा जी, तो ये सिर्फ बॉयल करके डालने होते हैं? जी बॉयल करके डालेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा बनेगा, अगर आप वो वैसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल से ज्यादा अच्छी रेसिपी बनेगी। अच्छा
अच्छा, बहुत अच्छा बना रहे हैं ना आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो सूप भी बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मैंने काफी दफा बनाए हैं। अच्छा, वैसे मैं बनाती नहीं लेकिन आपका इजी बहुत था ना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बनाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करनी है आपने, कुछ पूछना है? बहुत अच्छी बनाते हैं कुकिंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करनी है आपने, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, फरमाइश तो बस अल्लाह का शुक्र है आप सभी बना देते हैं, मैं देखती रहती हूँ आपका शो ना, काम कभी कभी लगती है। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, चलें आपको देख के प्रोग्राम देख लेते हैं। चलें, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा है वहाँ का? वहाँ तो अच्छी खासी ठंड हो रही है। बहुत ठंड होगी ना? हाँ जी, बहुत ठंड है यहाँ तो। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया, जिसमें जो मसाले जो ऑयल मथे थे, ग्रेवी का ऑयल ऊपर आ गया। पूरी रेसिपी फिर रिपीट कराऊंगा, ठीक है? चूल्हा हल्का कर दिया। अब क्या करेंगे, अंडे काटे हैं, ये देखें, ही दिखा जो, ये देखें 8 हो गए हैं पीस अंडे के, ठीक है? ये इसके ऊपर ऐसे रख दें पतीले में सीधे सीधे, अन्य तरीके से अंडा रखा दो सीधा करी, आइन के 2 मिनट दम पे रखी, वरी कटिए ठंडा से, ठीक है? 2 मिनट दम पे रख के निकाल देंगे। ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको रखते हैं दम पे, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं 2 मिनट के लिए। अब हम आते हैं अखरोट के हलवे पे, ठीक है? अखरोट के हलवे के लिए हमें क्या चाहिए, 1/4 कप बनस्पति घी या देसी घी। 1/4 कप मतलब चौथों चाय जो चौथों कप, कप जो बिल्कुल 1/4 चौथों हिस्सों, ठीक है? चमचन में खड़े होता है 5 खाने जा चमचा, अगर स्पून में लेंगे 5 टेबल स्पून आप ले लें देसी घी या बनस्पति घी, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? देसी घी या बनस्पति घी ये आपने डाला, इसको करेंगे गरम, और फिर इसमें हम 1/2 कप सूजी भूनेंगे, ठीक है? देसी घी जब गरम होगा 1/2 कप सूजी इसमें डाल के भूनेंगे। 200 ग्राम अखरोट लेना है, 200 ग्राम हिक पाउंड दो, 250 ग्राम, ठीक है? तो 200 ग्राम अखरोट कर दो, ही ऐसा हटाए एनएक्स जो ग्राइंडर, इनमें ऐसा विझंदासी 200 ग्राम अखरोट, अखरोट डालने के बाद इसको चला लेंगे। थोड़ा सा इसको हिला देते हैं, जो अखरोट के पीसेस रह गए वो हमने फिर ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? ठीक है, ये हो गए, इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे घी गरम हुआ है, इसमें 1/2 कप सूजी डालेंगे, ठीक है? बस 1/2 कप सूजी डाली और इसको हल्की आंच पे भूनेंगे सूजी को। 1/2 कप सूजी भी दी इनके हल्की बाए थे भुनंदासी घी में, 3 से 4 मिनट आपने सूजी को भूनना है, ठीक है? उसी दौरान आपने 10 अदद इलायची तोड़ के इसके अंदर डाल देनी है, या इलायची को ग्राइंड करके डाल दें या तोड़ के डाल दें, ठीक है? 10 अदद इलायची इसके अंदर तोड़ के डाल देंगे, इसको 3-4 मिनट भूनेंगे, सूजी फूल जाएगी इसके अंदर, ठीक है? घी में सूजी विधि 5 खाने चमचे बनस्पति घी या देसी घी, घर वारों खण दो सचो घी। 1/2 कप सूजी विधि, 10 अदद नंढा पोटा तोड़े विझन दो, सूजी के इनमें भुनन दो हल्की बाहे थे, ठीक है? सूजी भुन रही है। अब ये जो अखरोट का हमने ग्राइंडर में डाला था जो पीसेस निकल गए, उसको साबित निकाल लेते हैं, ठीक है? ये पूरा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे, अखरोट का मिक्सचर, 200 ग्राम अखरोट थे, ठीक है? 200 ग्राम अखरोट हुआ, ग्रेवी छड़िया, और इसको अखरोट को भी इसमें भूनना शुरू करेंगे 2 मिनट तक। पहले सूजी 4-5 मिनट भूनी, उसके बाद आपने अखरोट भूनना शुरू किया, ठीक है? पहले 4-5 मिनट सूजी के भुनियो, उनका पो अखरोट भी दो,
अखरोट डाल के अच्छे से मिक्स किया, 2 मिनट तक इसको मिक्स करते रहें। उसके बाद हम क्या करेंगे, फीका खोया लेंगे 1 कप, ठीक है, 1/4 कप बनस्पति घी या देसी घी, उसमें हमने डाला 1/2 कप सूजी, 10 अदद छोटी इलायची कूट के डाल दें या तोड़ के, उसके बाद 5 मिनट भुनने के बाद 200 ग्राम अखरोट ग्राइंड करके हमने इसमें डाल दिए। अखरोट डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये है मेरे पास फीका खोया, ठीक है, फीका खोया 1 कप, तकरीबन 1/2 पाव के करीब फीका खोया ले लें, ठीक है, फिको माओ 1/2 कप खाओ या सॉरी 1/2 पाव खाओ, ठीक है, ब्रेक जो टाइम भी थी हुआ, फीका खोया डाल के इसको 4-5 मिनट तक भूनना है, जब तक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थे उनका पहले सामू जेका अंडा हरा मसाला थे हेमा डिश आउट कर छोड़ा, ठीक है, ये मैंने डिश आउट कर दिया, अंडा हरा मसाला बॉयल अंडों के साथ बनाया, रेसिपी पूरी रिपीट करा रहा हूँ और साथ ही इसमें हरी मिर्च डालेंगे 1 अदद चॉप करके, ठीक है। अंडा हरा मसाला बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, सर्दियों के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ठीक है, इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। आपने क्या करना है, 4 अदद अंडे बॉयल करने, फिर उसके 8 पीस कर देने, यानी 20 से 2 करेंगी तो 8 पीस बन जाएंगे, दिखा जो, ठीक है, ये अंडा हरा मसाला के 8 पीस करेंगे तो 4 अंडों के 8 पीस बन गए, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। और इसके लिए हमने क्या करना है, 4 अदद अंडे सख्त बॉयल करके छील के साइड में रख देने, 20 से लंबाई में 2 पीस कर दें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, तेज़ वाली हरी मिर्च है तो 1, फीकी है मोटी वाली हरी मिर्च है तो 3 डालिएगा, ठीक है। 1/2 कप हरा लहसुन, थोड़े से पानी के साथ 4 चम्मच पानी के साथ इसको ब्लेंडर में चला के पीस लिया, ठीक है, या इमाम दस्ते में पीस लें, ठीक है, चटनी सी बन जाएगी, साइड में रख दे। फिर आपने 1/2 कप ऑयल गर्म करना है, उसमें 1 बड़ा प्याज डालना है, मीडियम से बड़ा प्याज, उसको गोल्डन फ्राई करके निकाल देना है। फिर 1/2 कप दही यानी 1/2 पाव दही के साथ उस प्याज का पेस्ट बना लेना है ब्लेंडर में डाल के, ठीक है। फिर उसी ऑयल में जिसमें से आपने प्याज निकाला था उसमें आपने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालना है, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बघार को भूनना है। उसके बाद वही प्याज और दही का पेस्ट पहले डाल देना है, फिर उसको 3-4 मिनट भूनना है। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, गर्म मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ये सब मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भूनें। फिर जो हरी चटनी हमने बना के रखी थी पेस्ट, वो आपने डाल देना है, उसको भूनना है, ठीक है। भून के फिर उसमें कसूरी मेथी 1/2 चाय का चम्मच मसल के डाल दें हाथ से, फिर उसको भूने 2-3 मिनट, जब ऑयल ऊपर आने लगे, अंडे जो हमने हाफ हाफ करके काटे थे 8 पीस, वो ऊपर सीधे करके रख दें, कवर करें 5 मिनट दम पे लगा के, फिर उसको निकाल दें, बहुत ही मज़ेदार अंडा हरा मसाला तैयार हो जाएगा। आखिर में आपने निकाल के हरी मिर्चें डाल देनी है और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से अंडों पर छिड़क देनी है, ठीक है। हेस ताई जी रेसिपी ॿुधाए पियो, अंडा हरा मसाला हिन लाइ 4 अदद बेदा सख्त बॉयल कंदो, छिले उनके लंबाई में 2-2 पीस कजो, 8 पीस थी वेंदा, ठीक है। पहिरीं कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं जी? मैंने सुजना बात कर रही हूं जी, कैसी हैं जी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, कुछ कहना चाहेंगी जी? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने काफी चीजें ट्राई की आपकी। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह खुश करते आपको। जज़ाकअल्लाह, मुझे वो पूछना था कि मैं पूरी और हलवा तो बना लेती हूँ लेकिन पूरी सख्त हो जाती है। पूरी सख्त हो जाती है जी, आप क्या क्या डालती हैं पूरी में? मैं बस नमक और हरी नीम गर्म पानी से गूंद लेती हूँ। अच्छा, यूं करें, अब बनाएंगी ना तो उसमें दही 1 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा, ठीक है, भर के। और ऑयल भी, घी डालती है उसमें? जी घी डालती, घी डालती हैं, दही 1 खाने का चम्मच डाल के ना पूरी को जब बहुत तेज गरम ऑयल होने लगे ना फिर डाल के उसको बनाएंगी ना तो फिर वो एकदम फूलेगी, नरम हो जाएगी, उसके बाद फिर आप निकालें उसको, फिर नरम हो जाएगी, ठीक। थैंक यू, ठीक है। अब इसमें मैंने हलवे में 1 पाव दूध डाल दिया, ठीक है, हलवे में 1 पाव दूध डाल दिया और उसको पका रहे हैं। अच्छा हनी जी रेसिपी बताएं पे, 1/2 कप अच्छा 4 अंडा बॉयल करे, छिले 2 पीस करे रखी छंदो, ठीक है। 1/2 कप ऑयल गरम कर दो, उनमें तां विझंदो 1 गंढ बसर जी, उनके गाढ़ो कंदो कढ़ी वठंदो, पो 1/2 पाव दही सा गरम जो पेस्ट ठाई रखी छजो, 1/2 कप सावा दाणा, 1 कप पुदनो, 3 अदद सावा मिर्च फिक्का वारा, फिर तिखो अत 1/2 कप थूम साई,
कटिंग करे विजी थोड़े पानी से अगर चटनी ठाई रखी छो जै ऑइल में तुम बसर गाढ़ो कर कटो उन्हीं ऑइल में अच्छो जीरो एक चाय जो चमचो अदरक थूम जो पेस्ट एक खाण जो चमचो दाग ठाई बसर जो जो पेस्ट आयो दही से गुड वो विझो उनके ब मिनट पचाई पीठल गाढ़ा मिर्च कुटियल गाढ़ा मिर्च हेड एक चाय जो चमचो पीठल दाणा ब चाय जो चमचा लूण अध चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो विझी दाग ठाई चंगी तरह पचे साई चटनी जो ठाई हुई वो विझो उनके पचाई चार पांच मिनट ऑइल मथे अच्छा लगन कसूरी मेथी खुश्क मेथी होंगी अध चमचो वो विझी छो चाय जो वरी उनके भुनो तो बेदा जो कटिंग कर रखा वो सीधा उनके मथा सजा पीसेस रखी छो अठ पीस मथा दम कवर कर हल्की बाई तो पंज अठ मिनट दम दही उनके कटी वो ये डिश आउट कर सावा मिर्च विझी ठीक है। यहाँ पे जो हमने हलवा बनाया था इसमें मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया। हलवे की रेसिपी दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। अखरोट हमने ले लेने हैं 200 ग्राम या एक पाव ले लेने हैं, उसको ग्राइंड कर लें। क्वार्टर कप चौथा पाँच खाने के चम्मच वनस्पति घी गरम किया, उसमें आधा कप सूजी को भूना, फिर आपने इसमें 10 अदद छोटी इलायची तोड़ के या ग्राइंड करके डाल दें ठीक है। सूजी भूनने के बाद आपने जो अखरोट ग्राइंड किए थे वो डाल देने हैं, अखरोट को हल्की आंच पे भूनना है। फिर उसमें एक कप खोया यानी आधा पाव जितना खोया हाथ फीका खोया हाथ से मसल से वो डाल दें, फिर तीन चार मिनट उसको भूनें। फिर आप उसमें क्या करेंगे एक पाव दूध डाल देंगे ठीक है, बॉयल किया हुआ दूध। ये दूध डाल दिया, अब दूध इसमें जब घी छोड़ने लगेगा अलग होने लगेगा तो इसमें आधा कप हम चीनी डालेंगे ठीक है। आधा कप चीनी डालेंगे और इसको साइड में उतार के पहले मिक्स करेंगे चीनी के साथ, फिर इसको दोबारा भूनेंगे चार पाँच मिनट तक, हलवा तैयार हो जाएगा ठीक है। अखरोट जो हलवो हिन्ने जला छाछा खयों 200 ग्राम अखरोट खयां उनके ग्राइंड करे छो पंज खाने जा चमचा घी गरम कंदो उनमें ता अध कप सूजी विझंदो चकुन चार का पंज खाने जा चमचा सूजी विझी सूजी के थोड़ी टे चार मिनट उनमें ऑयल घी में पचाइंदो नंडा पोटा भी छो अध अठ ड अध कुटे उनके अंदर भी छो या पाउडर करे ठीक है। उनका पो तान जे अंदर जो अखरोट जो मिक्सचर हो वो विझंदो अखरोट जो मिक्सचर विझी उनके टे चार मिनट पचाइंदो पो फिको माओ इनमें अध पाव विझी छंदो फिको माओ अध पाव विझण का पो ता इनके चंगी तरह भुनंदो भुनण का पो इनमें एक पा खीर विझी छो कड़ियल खीर या दबे वारो खीर विझी जडे खीर खुश्क थी विंदो घी मथे अचण लगंदो पो इनमें अध कप खंड विझी छडिया अध कप खंड विझी इनके मुसलसल चमचो हलाइंदा रहंदा सी जडे इन जो कलर सफा चेंज थी विंदो अखरोट जे हलवे जो ब्राउनिश शेड में अचण लगंदो ताजो हलवो तैयार थी वियो ठीक है। ख्याल कजो सड़े ना हेठा का लगे ना ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे से लगे ना और जले ना ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। अब इस ये बिल्कुल साइड्स इसके अलग होने लगे, ये हलवा हमारा तैयार हो रहा है ठीक है। एक मिठाई वालों के पास जो हलवा मिलता है वो अलग होता है ठीक है, वो पीसेस में जमा हुआ होता है वो अलग होता है, वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। ये थोड़ा डिफरेंट है सूजी के साथ, ये बहुत मज़े का होता है, ये भी आपने ट्राई करना है। अच्छी तरह भूनेंगे ठीक है, बस जलना नहीं चाहिए, साइड्स उतारते रहें। ये देखें अब ये जगह छोड़ रहा है ठीक है, अब ये जगह छोड़ रहा, हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन हो गया, इसका कलर भी डार्क जाना शुरू हो गया। साइड से उतारते जाएं, साइड से जो लग रहा होगा वो जले ना ठीक है। चूल्हा बंद कर देते हैं, ये हमारा हो गया अखरोट का हलवा तैयार, इसको भी डिश आउट करते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे नेस्ले एवरीडे, हमारे पास है नेस्ले एवरीडे चाय बनाएं कॉफ़ी बनाएं, सर्दियां हैं बहुत ही मज़े की चाय बनती है, अभी आपके सामने इसकी चाय बनाएंगे। सो बिल्कुल हलवे ने जगह छोड़ दी थी, मींस के चिपक रहा होता है शुरू में, तो बाद में वो जब जगह छोड़ देता है हलवा तो आपका हलवा बिल्कुल तैयार हो जाता है ठीक है। थोड़ा सा ठंडा होगा सेट हो जाएगा, पीसेज में टुकड़ियों में करना चाहें तब भी कर सकते हैं। इसको हम वॉलनट से यानी अखरोट से इसको गार्निश करेंगे। एक मिनट ठीक है, अखरोट का हलवा अखरोट के थोड़े पीसेस बचा के रखें उससे आप इसको गार्निश कर दें ठीक है। ये हो गया हमारा अखरोट का हलवा तैयार, और अब हम इसके बाद बनाएंगे नेस्ले एवरीडे। नेस्ले एवरीडे बिल्कुल ज़बरदस्त दूध है,
ये आप देख सकते हैं पाउच में मिलता है, इसके साथ कप भी आ रहा है, मार्केट में अवेलेबल है, 200 ग्राम भी है, 400 कुछ 80 ग्राम शायद इस तरह का भी पैक है, बड़ा भी है, 1000 ग्राम भी है, 1500 ग्राम तक का भी पैक मिलता है, ठीक है, आप मार्केट से ले सकते हैं। साशे भी मिलते हैं, इसके साशे भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है, बड़ी ज़बरदस्त चाय बनती है। अब हम इसकी चाय बनाएंगे, ठीक है, ये रेसिपी मैंने बार बार रिपीट कराई है आपके सामने, इसको रखते हैं हम टेबल पे और उसके बाद हम चाय बनाते हैं। अंडा हरा मसाला, ठीक है थी वो अंडा हरा मसाला और हिन सा गड असो थी वो अखरोट जो हलवो, ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त हमारी दोनों रेसिपीज़, और क्विक रेसिपीज़ होती हैं, जल्दी बनाने की कोशिश ये होती है कि हर चीज़ ऐसी बनाएं जो आपके सामने फ़ौरन तैयार हो जाए और आप लोग भी फ़ौरन बना सकें। यहाँ पे हमने लेना है पानी, ये जो मग है एवरीडे का, इसी के एक ही कप बनाते हैं एक मग, ठीक है, इसी के मेजरमेंट से हम पानी लेते हैं। ठीक है, जितनी आपने बनानी हो, पानी बॉयल होगा, ठीक है, पानी बॉयल थी तो नेस्ले एवरीडे मार्केट में अवेलेबल है, तो वी सो जबरदस्त चाय ठहंदी, इन से गड मग भी अचन पे नेस्ले जा, तां पैकेट्स वो तो मग जो सेट पूरा जमा करे सगो था ही मुझे हथ में तीसो पे जबरदस्त खूबसूरत मग हैं अड़ा तुम वी सो ही मार्केट में मिलन पे इन गड, ठीक है, ये नेस्ले जो पैकेट्स जो ये भी तक दिखारे छा, ये है मुझे हमें 200 ग्राम होंदो, हिन खां वॾा बि अचनि पिया, ठीकु आहे, हिन टाइप जा 1500 ग्राम ताईं जो बि आहे, 980 ग्राम कुझु बि आहे, हीअं मार्केट में जा आहिनि, ऐं साशे बि अवेलेबल आहिनि, तव्हां साशे वठणु चाहियो त उहो बि वठी सघो था। खंडु बाद में विझंदासीं, पहिरीं असां हिन में विझंदासीं चांहि। अच्छा, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, मां चूल्हो बंदि कयां पियो, ठीकु आहे, चूल्हा हल्का कर देता हूं, अभी पत्ती वग़ैरह कुझु नहीं डालणो, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाहे, हिकु असां ठाहियो अंडा हरा मसाला, ॿियो असां ठाहियो अखरोट जो हलवो, उहे मां हुते टेबल ते रखी छॾिया आहिनि। हाणे असां ठाहियूं पिया चांहि एवरीडे में, ठीक है, एवरीडे की चाय बन रही है, एवरीडे मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, पैकिंग में दस्तियाब है, बड़ा पाउच भी है, एक पाव का भी है, हाफ के जी भी है, 1 kg भी और 1.5 kg तक का है, इसका पाउच मिल जाता है, और साशे भी मिल रहे हैं, आप ले सकते हैं। एवरीडे की चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, मेरे अपने पर्सनल घर में भी हम लोग एवरीडे की चाय ज़रूर बनाते हैं, आप लें, मार्केट में अवेलेबल है, ईजीली मिल जाते हैं। फ़ौरन इसका कहवा बनाएं, कहवा बना के इसमें चीनी डिज़ोल्व करें, चीनी डाल के फिर आपने इसमें एवरीडे कप में छान के निकाल लें कहवा, और फिर इसके बाद आपने एवरीडे का मिल्क डाल लें, ठीक है। एवरीडे है, ॾिसो ये पैकेट आहे मार्केट में अवेलेबल आहे नेस्ले एवरीडे, ठीक है, ओरिजिनल ख़ास टेस्ट आहे इन जो, ऐं तमामु ज़बरदस्त ही ॾेखारो न, हे तमामु ज़बरदस्त आहे, मार्केट में अवेलेबल आहे, हीअ मुंहिंजे में 200 ग्राम जो पाउच आहे, हिन खां वॾा बि आहिनि, 1/2 kg बि आहे, किलो बि आहे, 1.5 kg ताईं जो बि आहे, ठीकु आहे, मार्केट में वठी सघो था, हिन जो साशे बि मिले थो, हिन जी तरकीब सॼी पुठियां लिखियलु आहे, जंहिं तरीक़े सां तव्हांखे ठाहिणो आहे उहो सॼो तरीक़ेकार लिखियलु आहे, पहिरीं कहवा ठाहियो, हुन खां पोइ हिनखे कहवा खे छाणे विझंदो, हुन खां पोइ कप में तव्हां खीरु मिलाईंदो, ठीकु आहे, हीअ सॼो हिन जो लिखियलु आहे, पूरा इसके पीछे बैक पे लिखा हुआ होता है, आपने कहवा बनाना है, कहवा बनाने के बाद कप में डालना है, फिर उसके बाद चीनी मिलानी है, चीनी मिलाने के बाद आपने इसमें यूँ कर लें, चीनी आप चाहें तो इसमें भी मिला सकते हैं, चीनी आप चाहें तो वैसे भी, इसमें यहाँ पे हम 1.5 teaspoon या 2 teaspoon आप चीनी, और अगर विदाउट शुगर यूज़ करते हैं तो विदाउट शुगर बनाएं, चीनी डाल दी, इसको डिज़ोल्व करेंगे, बॉयलिंग आ गई है, उसके बाद हम चाय निकाल लेंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही मज़ेदार बनी हैं, अखरोट का हलवा, और लास्ट वीक बहन ने कॉल की थी कि उनके हस्बैंड को हलवे बहुत पसंद है और सारे हलवे उन्होंने ट्राई किए, तो ये अखरोट का हलवा भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, ये बाद में इंशाल्लाह बनाएंगे। ये हमारा कहवा हो गया तैयार, नेस्ले का कप देखें कितना खूबसूरत है, ठीक है, इनमें असां विझंदासीं हिकु ॿ भरे चांहि जा चमचा खीर, 2 teaspoon भर के आपने इसमें नेस्ले एवरीडे मिल्क डालना है, ये हमारी चाय हो गई रेडी,
नेस्ले एवरी डे। और अब चलते हैं टेबल पे, ठीक है। कल ये रिपीट चलेगा 12 बजे, ठीक है। नेस्ले एवरी डे चाय तमाम बेहतरीन है। तुम सबूतन से गढ़ी पाउच भी रखेल है, जो कप डो खूबसूरत है, इन सा मार्केट में अवेलेबल वी सोता। कल 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब करते जाएं तो आपको सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जो भी मेरी वीडियोज़ होती हैं रात तक अपलोड हो जाती हैं। और कुकिंग विद शेफ ऐसा फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको लाइक करें। वहाँ पे इनबॉक्स में जो भी आपने मैसेज करना है, रेसिपी के बारे में पूछना है, फ़ोटोज़ के फोल्डर में जाके आप देखेंगे 2000+ रेसिपीज़ हैं। फोल्डर को पिक्चर फ़ोटो को आप पिक करें, क्लिक करेंगी तो सारी रेसिपी नीचे खुल जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह कल देखिएगा, मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, सारी आप लोग की फरमाइशें हैं। इस वीक में बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बनेंगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी आपसे कल इंशाल्लाह। सुभाणे 12 बजे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज आए फेसबुक ते, उनके लाइक कियो, शेयर कियो, तां रेसिपी अपलोड थी वेंदियूं आहिनि विद पिक्चर मां सॼो ते टाइप करे छॾंदो आहे, रेसिपी तव्हांखे मिली वेंदी आहे। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कियो, असांजो चैनल ठहियलु आहे सिंध TV HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो। सुभाणे इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। ऐं नेस्ले एवरी डे चांहि ज़रूरु ठाहिजो। एवरी डे जे खीर में चांहि ठाहींदो, ॾाढी ज़बरदस्त ठहंदी आहे। ऐं इहे चांहि ॾाढी ख़ुशबूदार ऐं ॾाढी मज़ेदार हूंदी आहे, ठीकु आहे। हिन जो मग आहे, मग ॾिठो नेस्ले जो आहे, तव्हां वठंदा त हिन सां गॾु मग्स बि फ्री अचनि पिया, मार्केट में अवेलेबल आहिनि। नेस्ले जी चांहि तव्हां वठी सघो था, जी ख़ुशबू ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे। मुंहिंजे पंहिंजे पर्सनल में घर में बि इहा चांहि ठहंदी आहे, ॾाढी ज़बरदस्त इंजॉय कंदा आहियूं। सियारो आहे, चांहि जे असांजी नीड ज़्यादा है, त ही पाउच तव्हां वठी मार्केट में रखो। इंशाल्लाह सुभाणे मुलाक़ात थींदी। दुआउनि में अदरक जो ला। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध TV HD कुकिंग शो।